ऑलरेडी फाइन कट चुका है। सो वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वक्त मैं हूँ फुकेत में। तो कल रात में 11:30 में मेरी बस थी, हमारी बस थी, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं शाम को 4:30 में। तो ऑलमोस्ट 15-16 घंटे की जर्नी थी। तो आपको ये मैं बता दूँ कि अगर आप बैंकॉक से फुकेत आ रहे हो तो आपको कौन से बस स्टेशन पे जाना है। देखो वहाँ पे दो बस स्टेशन है, एक है मोचित बस स्टेशन जहाँ से थाईलैंड के नॉर्दर्न पार्ट के लिए बसें निकलती है, और एक है साय ताई माई वहाँ से निकलती है साउदर्न पार्ट के लिए। जो फुकेत है वो थाईलैंड का सदर्न पार्ट है, तो यहाँ के लिए आपको बस वहाँ से मिलेगी। तो शाम को 6 बजे के बाद से बसें आपको मिल जाएंगी फुकेत के लिए, और ओवरनाइट बसें ही चलती हैं फुकेत के लिए बैंकॉक से। तो हमने जो बस ली थी, हमारी बस 11:30 में थी, और उसका हमने पे किया है 1200 बाथ। और मे बी उस टाइम पे कल बसें नहीं थी, इस वजह से हमारे से 1200 बाथ लिया उन लोगों ने। बट जो जिस बस से हम आए हैं, नॉर्मली उस बस का फेयर अराउंड 750 बाथ था। अगर हम 6 बजे या 7 बजे तक अगर पहुँच गए होते तो वो बस हमारे को जो 1200 बात में मिली है वो हमें 700-750 बात तक मिल जाती थी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि अगर बाय द वे अगर हम 6 बजे वाली बस अगर बोर्ड कर भी लेते तो पूरी जर्नी रात रात में ही निकल जाती, सुबह 6 बजे हम पहुँच जाते। तो अच्छा ये हुआ कि हमने 11:30 में बस ली। तो बैंकॉक से फुकेत तक का जो रास्ता है वो बहुत ही सीनिक है। 6 बजे के बाद तो दिन हो गया था, तो हमने पूरा जर्नी एंजॉय किया। रास्ते में थाईलैंड के आपको छोटे छोटे विलेजेस आए, सिटीज़ आए, तो और पूरा मतलब हिली एरियाज़ भी थे, बीच बीच में रिवर्स थे, तो वो सब देखते हुए हम आए हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। तो अगर आप फ्लाइट से आते हो तो जो ट्रैवल टाइम है वो 45 मिनट्स टू 1 घंटे का है। तो फ्लाइट लेकिन आपको पहले बुक करनी पड़ेगी। तो अगर आप पहले ले लोगे, लाइक आपका प्लान फिक्स है, तो आप पहले टिकट ले लो, तो वो टिकट आपको 1200 बाथ तक में आ जाएगी, जितने में हमने बस ली है। फ्लाइट की टिकट भी आ जाएगी। और ये सामने ओल्ड फुकेत टाउन की गलियां। तो अभी बस राउंड लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है, कल क्या क्या घूमना है हमारे को यहाँ पे। और ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे, तो एक फोटो बनती है, कल सुबह यहाँ पे हम एक फोटो लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा हैप्पी आवर चल रहा है, तो आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है कॉफी से, कैफे अमेजोन और 7-11 जो मैं आपको बता रहा था। अमेजोन और 7-11 मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है कि जैसे कि हमारे दिल्ली में कैसे अग्रवाल स्वीट्स है, जो हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पे है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से 1-2 किलोमीटर भी जाओगे तो इतनी दूर में ही आपको 7-11 कम से कम 2 दिख जाएंगे, और ये कैफे अमेजोन भी। तो सुबह हम निकल गए हैं ओल्ड फुकेत टाउन एक्सप्लोर करने। तो फटाफट कॉफ़ी निपटाते हैं, और वेदर आज काफ़ी अच्छा है, गर्मी नहीं है और क्लाउडी वेदर हो रखा है, तो मज़ा आएगा घूमने में। और जो 7-11 स्टोर है वो आपको मतलब 24/7 खुला होता है। पर्सनली मुझे 7-11 बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार वहाँ पे ना खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पैक्ड आइटम, जो इंस्टेंट रेडी वाली होती है। ये है 7-11 स्टोर, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के लिए सारे। ये देखो क्रोज़ान 16 बार, 26 बार, ये बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। यहाँ पे चिप्स वगैरह हैं, ये देखो, और एक्सक्यूज़ मी, और यहाँ पे आपको चिकन सॉसेज, चिकन बर्गर, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टेंट रेडी वाली है। तो मैं ये ले रहा हूँ ग्रिल चिकन विथ माला सॉस, और ये अभी इसको 2 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे और ये इंस्टेंट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये स्कूटी ली है रेंट पे यहाँ से, और इसका इन्होंने हमसे लिया है 300 बाथ। तो हमने आज 24 आवर्स के लिए इन्होंने स्कूटी दी है। आइदर यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो या फिर अपना पासपोर्ट रख सकते हो। तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पे कोई कोई आपसे 3000 बाथ बोलेंगे, 5000 बाथ बोलेंगे, बट बहुत सारे लोग पासपोर्ट भी डिपॉजिट करते हैं। मेरे सामने बहुत लोगों ने रखा, तो मैंने भी अपना यहाँ पे पासपोर्ट डिपॉजिट कर दिया है। स्कूटी ले ली है, अब निकलते हैं फटाफट घूमने।
तो सबसे पहले अभी हम आए हैं बिग बुद्धा देखने और यहाँ से जो ज़बरदस्त व्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि आज वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी वेदर हो रखा है और यहाँ से बहुत ही ज़ोरदार व्यू है। वो वहाँ पे सामने है समंदर, तो आप यहाँ पे सनसेट के टाइम पे भी आ सकते हो। फॉग नहीं होता तो वो पूरा व्यू अभी एकदम क्लियर दिखता। और ये रहा सामने द बिग बुद्धा स्टैचू। जब आप बिग बुद्धा के लिए आओगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे व्यूज़ वाले कैफ़े दिखेंगे जहाँ से बहुत ही तगड़े तगड़े व्यूज़ हैं। तो अभी हम फिलहाल एक कैफ़े में आए हैं और ये देखो यहाँ से क्या ज़ोरदार व्यू है। और वो देखो वहाँ पे हेलो हाय हाय, वहाँ देखो सामने समंदर और सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बिग बुद्धा वाले रास्ते में बहुत सारे कैफेज़ हैं जिससे बहुत अच्छा व्यू है। ये पीछे देखो एक नंबर जगह है, यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए हम कुछ खाएंगे पिएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ओल्ड फुकेट टाउन से ये जगह अराउंड 16-17 किलोमीटर है। तो अगर आपको फुकेट घूमना है ना तो आप स्कूटी ले रहे हो, और फुकेट जो है वो हिल और बीच दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया जगह। जैसे अपन कैसे स्कूटी लेके घूमते हैं गोवा में, तो वैसे ही यहाँ पे घूमो बिना उसके मज़ा नहीं आएगा। और जहाँ हम रुके हैं ओल्ड फुकेट टाउन में, इतनी प्यारी जगह है ना यार, कल रात में भी हमने घूमा, इतनी प्यारी प्यारी गलियाँ हैं वहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है फुकेट। तो मस्त कॉफ़ी वॉफ़ी पियो और व्यू का मज़ा लो। और ये देखो कोल्ड कॉफ़ी कितने अच्छे से करके दिया है। वैसे धर्मेंद्र भैया को आपको नहीं दिखाया था, धर्मेंद्र भैया कैसे हैं आप? तो दोस्तों एक नंबर यार, मज़ा आ रहा है फुकेट में। कोल्ड टाउन इज सुपर्ब। फुकेट जो है यार बहुत ही पीसफुल जगह है, लेस क्राउडेड है। तो विदाउट हेलमेट यहाँ घूमोगे तो 1000 से 2000 बात तक का फाइन है, और लाइसेंस हमारे से नहीं पूछा, बस पासपोर्ट लिया। तो आई थिंक टूरिस्ट के लिए लाइसेंस नहीं मांगते हैं ये लोग। बस स्कूटी लो और घूमो। तो बिग बुद्धा देखने के बाद अब हम आए हैं चालोंग टेम्पल देखने। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है चालोंग टेम्पल, और यहाँ पे एक चालोंग मिरेकल लेक भी है। ये चीज़ जो आपको सामने दिख रही है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, पता नहीं इसमें क्यों ये पटाखे जला रहे हैं। इसमें सिर्फ मॉन्क लोग पूजा करते हैं और ये है बाकी सारे लोगों के लिए। इसको चालोंग मिरेकल लेक बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मैंने देखा है बहुत लोग आके मन्नत मांग रहे हैं। तो लंच का टाइम हो गया, तो फिलहाल हम एक कैफ़े में आए हैं पैनकेक कॉर्नर। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कल रात में हैप्पी आर के बाद जहां हम बैठे थे वहीं पे हमने डिनर भी कर लिया था। तो वहां हमने ऑर्डर किया था थाई फूड चिकन राइस। तो हमें ऐसा था कि चिकन तो आएगा और मे बी उसमें ग्रेवी होगा, वो थाई टेस्ट में होगा ऐसा कुछ हमने सोचा था, और राइस होगा, मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं था। चिकन राइस यहाँ पे खाने का लोगों का अंदाज़ा लगे, जैसे कि हमारे वहाँ कैसे होता है चिकन राइस है तो लाइक अगर हम कढ़ाई चिकन या चिकन करी कुछ भी खा रहे तो उसमें ग्रेवी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चिकन राइस ऑर्डर करोगे तो वो फ्राइड चिकन देंगे और राइस। तो वो थाई चिकन राइस तो हमने ट्राई कर लिया है, यहाँ पे अब हम ट्राई करने आए हैं जापनीज चिकन करी और राइस। थाई फूड में वेज में जो ऑप्शन है वो हमारे को समझ में आ नहीं रहा है, और नॉन वेज में चिकन के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जापनीज चिकन करी और राइस। तो इसमें तो करी इन्होंने दी है, थाई वाले में करी नहीं दिया था, बस ये फ्राइड चिकन था और ये ऐसा राइस था। तो अभी जापनीज चिकन करी में करी है, लेकिन अब इसको खा के बताऊंगा कैसा है। और ये पता नहीं क्या है यार, क्या लगता है ये? आई थिंक अचार है। तो देखो टेस्ट तो हमने एक्सपेक्ट किया नहीं था, बट अच्छा था ये। तो अभी तक हमने यहाँ पे थाई भी ट्राई कर लिया है, जापनीज ट्राई कर लिया है, इंडियन भी किया है ट्राई। तो इंडियन फूड के अलावा आपको यहाँ पे थाई, जापनीज, कोरियन सब मिल जाएगा। तो अभी तक कोरियन ट्राई नहीं किया है, एक दिन कोरियन भी करेंगे ट्राई अपन। तो लंच हो गया है हमारा, फिलहाल हम लोग ये पी रहे हैं। यहाँ तो मस्त 1.5-2 घंटे बैठे हैं हम और अब निकले हैं बाहर। तो पार्किंग के लिए यहाँ पे एकदम पर्टिकुलर स्पेस बना हुआ है, ये देखो, चाहे वो कार की पार्किंग हो या फिर स्कूटी के लिए। तो यहाँ पे भी एज आई टोल्ड यू के बैंकॉक भी बहुत ही ऑर्गेनाइज था, फुकेट टाउन भी बहुत ही अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है जहाँ पे आप इतने लोगों को देख रहे हो, ये एक्चुअली क्लॉक टावर स्क्वायर है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, रेड जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ देखो ये लोग जितने भी वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सब फ़ोटो लेने के लिए खड़े होते हैं। ये क्लॉक टावर है और ये ओल्ड फुकेट टाउन का स्ट्रीट, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, ये देखो। लुक एट दिस कलरफुल बिल्डिंग्स, ये सब ओल्ड फुकेट टाउन में है। तो फिलहाल हम एक वॉक ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम आए हैं यहाँ पे, कुछ करेंसी एक्सचेंज कराना था हमें, पैसे ख़त्म हो गए हमारे। तो
तो यहाँ पे हमने अभी $200 एक्सचेंज किया है और एक भी रुपये तो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने नहीं किया है हमारे को, एग्जैक्ट अमाउंट हमारे को दिया है इन्होंने। तो अगर फुकेत में स्कूटी ले रहे हो तो ध्यान से चलाना, कहाँ पे पार्क करना है, वंस रॉन्ग साइड में मत, नो एंट्री में मत घुस जाना, वन वे में मत घुस जाना, क्योंकि ऑलरेडी फाइन कट चुका है। मैंने गलत जगह पार्क कर दी थी, तो ये देखो 500 बात का फाइन अभी लगा है मेरे को।